हेलो फ्रेंड्स, नीतूज कुकिंग रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी हमारी गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं, जिसे हमने गाजर से बनाया है। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करके हम यहाँ पर 1/2 kg कैरेट को ग्रेट करके लिया है मैंने, इसको ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट तक हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे देसी घी के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑरेंज वाली कैरेट का यूज़ किया है, अगर आपके पास रेड वाली कैरेट अवेलेबल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। इसका हम पहले नॉर्मल गाजर का हलवा तैयार करेंगे, जैसे हम बनाते हैं हलवे को। इसके बाद 200 ml मिल्क ऐड करेंगे और इसको स्टर कर देंगे, और मिल्क के साथ ही इसमें इसको हम कुक करेंगे ताकि हमारी कैरेट जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, कुक हो जाए। इसको लेट से कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। 7 मिनट्स हो गए हैं, आइए चेक करते हैं। देखिए, अभी गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट दिखने लगी है, बट अभी भी मिल्क बाकी है। 3 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड की है, शुगर मैंने कम ऐड की है बिकॉज हम कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ करेंगे। 1/2 टीस्पून कार्डमम पाउडर है, इलायची पाउडर। उसके बाद थोड़े से नट्स हैं, यहाँ पर मैंने कैशू नट्स और आलमंड्स लिए हैं चॉप करके, आप पिस्टैशू भी ले सकते हैं। और कंडेंस्ड मिल्क लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, उसको ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप उसको ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप शुगर का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और इसको हम मिक्स दे देंगे इस तरह से। देखिए, मिक्स करते हुए हम अगेन लिड से कवर करेंगे और इसका मिल्क एकदम ड्राई होने तक हम इसे कुक करेंगे 15 मिनट तक। देखिए, आप देख सकते हैं मिल्क एकदम ड्राई हो गया है। हम इसको एक बार टर्न कर लेते हैं, ये देखिए, और अगेन हम इसको लिड से कवर करके थोड़ा और हम ड्राई करेंगे ताकि जो है इसका जो भी मिल्क और वाटर कंटेंट है पूरी तरह कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। आइए, हमारे 10 मिनट्स हो गए, हम देखते हैं। ये देखिए, अभी कम्प्लीटली ड्राई हो गया है हमारा जो मिल्क है, और एकदम देखिए इसमें जो है देसी घी थोड़ा सेपरेट हो गया है। बस इसी स्टेज पर हम इसे सर्व करेंगे गैस का फ्लेम ऑफ करके। ये देखिए कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है, थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें देसी घी ऊपर से और ऐड कर सकते हैं, और थोड़े से चॉप्ड पिस्टैशियो से हम इसे गार्निश करेंगे। ये तो हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया। आइए अब हम इसके मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। मोदक के लिए भी हम सेम इसी हलवे का यूज़ करने वाले हैं, आप चाहें तो इसे इसी तरह सर्व करें, या फिर आप गणपति के भोग के लिए इसे मोदक के रूप में शेप दे करके इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए, हमारा टेम्पटिंग सा हलवा तैयार है। आइए अब हम इसके मोदक तैयार करते हैं। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और सेम हम हाथों पे थोड़ा सा रोल करेंगे, जिस तरह से हम लड्डू को बनाते हैं। रोल करने के बाद हम दूसरे हाथ पर रखकर इसे इसका थोड़ा सा बेस तैयार करेंगे। बेस तैयार हो जाने के बाद इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठाते हुए मोदक का शेप दे देंगे। अगर आपके पास मोदक बनाने का सांचा है तो आप इस रेसिपी के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इजीली बन गया है मोदक हमारा, आप देख सकते हैं। इसी तरह की प्रोसेस यूज़ करके हम बाकी सभी मोदक तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी में गणपति के भोग के लिए अगर मोदक ना हो तो हमारा भोग जो है अधूरा होता है, इसलिए मोदक को आप कई तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, सारे मोदक हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आइए इसे हम सिल्वर वर्क के साथ गार्निश करते हैं, वो भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो लगाइए, अदरवाइज आप ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश करिए। मैं यहाँ पर सिल्वर वर्क लगा रही हूँ ताकि दिखने में बहुत ही सुंदर दिखे। ये देखिए, इस तरह से हम सभी मोदक में सिल्वर वर्क ऐड कर देंगे इस तरह से। तो लीजिए, तैयार है हमारे इतने सुंदर से मोदक। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।